वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय। 6th canto 14th chapter 5th verse Muktanamapi Siddhanam Narayana Parayanaha Sudurlabha Prashantatma Koteshwapi Mahamune। I'll just start now. ओम अज्ञानाते मरंदस्य ज्ञानांजन शलाकया शिरुमिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आई थिंक ये श्लोक ये किसने बोला है जतन देखना। ये छठे स्कंद का श्लोक है, फेमस, बट आई थिंक सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, व्हाट एवर इट इज। बड़े श्लोक में ये बोला जा रहा है, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में डिफाइन कर रहे हैं कि कई तरीके के मुक्त लोग हैं। मुक्तानाम, मुक्तानाम मतलब कई मुक्त है। सुमुक्त मतलब होता है कि जो कि अपने शरीर की आसक्तियों से मुक्त है। मुक्त ये होता है अपनी आसक्तियों से, अपने राग से, अपने द्वेष से, अपनी अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश, इन सब से मुक्त है। एक्चुअली पतंजलि योग में, पतंजलि योग क्या, वैसे भी भागवत में भी शास्त्रों में पांच चीज़ें दी हैं जिससे व्यक्ति इस संसार में बंधा रहता है, और वो पांच चीज़ें अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो वैसे तो हम लोग बोलते हैं, वैसे तो इन जनरल बोला था, अभी इंसान इस संसार में किससे बंधा हुआ है, पैसे से, स्त्री से, घर बाहर से, इसी में तो आसक्त होकर फंसा रहता है। बट ये थोड़ा एक जनरल वे ऑफ सेइंग है। अगर आप बिल्कुल स्पेसिफिक वे चाहते हो तो शास कह रहे हैं पांच चीजों से व्यक्ति बंधा रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रपंच। प्रपंच कहते नहीं कहते, प्रपंच तो वैसे, प्रपंच वैसे तो शब्द ये भी कहते हैं, जैसे हिंदी में कहते हैं ना कि क्यों पचड़े में फंसा हुआ है, तो वो प्रपंच से ही आ रहा है, क्यों सब प्रपंच बना लिया तूने, ही कहते ना, पहले बोलते थे हिंदी में प्रॉब्लम्स को प्रपंच कहते हैं, और संसार को भी प्रपंच कहते हैं, क्योंकि पांच चीजों ने फंसा रखा है। क्या? अविद्या। अविद्या मतलब कि भूल जाना कि भगवान कौन है और मैं कौन हूँ, इसको अविद्या कहते हैं। अविद्या मतलब ये नहीं जानना, विद्या मतलब विद्या, अविद्या मतलब इग्नोरेंस, अविद्या मतलब ये नहीं जानना कृष्ण भगवान है और मैं आत्मा हूँ, नॉलेज ही नहीं है। अविद्या मतलब नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं। और अविद्या से आता है अस्मिता। अस्मिता मतलब होता है कि क्योंकि हम भूल गए कृष्ण भगवान है, क्योंकि हमें पता नहीं है कृष्ण भगवान है, क्योंकि हमें पता नहीं है मैं कौन हूं, उससे फिर मन भ्रमित हो जाता है। अस्मिता मतलब भ्रमित होना, भाई मुझे पता नहीं कृष्ण कौन है, भगवान कौन है, मैं कौन हूं, क्या कर रहा हूं यहां पर, तो भ्रमित हो जाते हैं। फिर हम अपने मन से प्लान्स बनाने लगते हैं, नहीं जब आपको पता ही नहीं आप कौन हो, क्या कर रहे हो, तो फिर आप अपने मन से सोचोगे मैं कौन हूं, है नहीं, अब मुझे क्या करना है, अपने मन से डिसाइड करोगे ना, उसको कहते हैं अस्मिता। और फिर जब अपने मन से डिसाइड करते हो आप, मुझे, मैं मिस्टर सो एंड सो हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, वट एवर इट इज, ऐसे सोचोगे तो फिर अपने प्लान्स बनाओगे आप, फिर अपने मन से मुझे ऐसा लगता है ऐसा करना चाहिए और मैं ये हूँ, तो उससे आएगी राग, उससे राग आता है। तो राग मतलब होता है आ सकती है नहीं, जो आप कर रहे हो आपको अच्छा लगेगा, वे आपका मैं ये हूं और मैं ये करूंगा, तो वेल दैट्स इंटरेस्टिंग,
और फिर आता है द्वेष, जो आप नहीं कर रहे उससे द्वेष हो जाएगा, नफरत होगी, कोई कहेगा तो ऐसा करना चाहिए, मैं क्यों करूं, बकवास है सब, है नहीं। सो राग द्वेष और फिर अभिनिवेश, अभिनिवेश मतलब आदमी पागल हो जाता है, इंटॉक्सिकेट, जैसे शराब पी लेते हैं चढ़ जाती है, ऐसे पैसे अपने आइडियाज में, अपने प्लान्स में, उसको पूरा करने के लिए पागल हो जाता है, नहीं मैं करके रहूंगा, ऐसे ही होता है, नहीं होता है, फिर कुछ भी कर सकता है वो। तो इसको बोलते हैं पांच चीजें, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये पांचों चीजें भागवतम में भी है, गीता में भी है, गीता में स्पष्ट रूप से नियम अगर है, पतंजलि योग सूत्र में भी है, सारे शास्त्रों में पांच चीजों का वर्णन तो है। इसको बोलते हैं पंच, और जब ये पांच चीजें फंसा लेती हैं तो इसको बोलते हैं प्रपंच, नॉट सिंपल। सो मुक्ता नाम मतलब, मुक्ता नाम मतलब जो व्यक्ति इन पांचों चीजों से मुक्त हो चुके हैं, जिनको पता लग चुका है कि भैया मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीवन में क्या कर रहा हूं, मुझे अपने आप, मुझे ये समझना है कि मैं कौन हूं, जिनको ये भी पता है कि भगवान क्या है, हो सकता है पूरी तरह ना पता हो मगर ये पता है कि भगवान है, कोई शक्ति है, सिर्फ मैं ही नहीं हूं सिर्फ, और वो शक्ति बहुत शक्तिशाली है, उसके सामने हम कुछ भी नहीं है, उसको ये पता है। हो सकता है उसको ये क्लियर ना हो कि भगवान का नाम क्या है, मगर उसको ये पता है कि भगवान है, यू सी द पॉइंट। तो वो लोग भी मुक्त, मुक्त की कैटेगरी में आ जाते हैं, क्योंकि कह रहे हैं मुक्ता नाम, बहुत सारे मुक्त हैं, तो ये पता है मैं कौन हूँ, ये तो पता ही है, इतना तो सबको पता रहता है जो इस रास्ते पे, सिंसियर लोग कि शरीर नहीं हो, तो सभी मानते हैं, तो सारे रिलीजन मानते हैं कि हम शरीर नहीं है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, मतलब चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि भैया हम ये हड्डी का ढांचा नहीं हो सकते, इसमें कोई डिबेट नहीं है। मतलब अगर संसार लड़ रहे हैं, मैं हिंदू हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, धर्म के बारे में लड़ाई हो रही है, तो भाई ठीक है चलो ये बंद करो, पहले तुम बेसिक चीज तो सब सेम कह रहे हैं, वो तो फॉलो कर लो, ABCD तो फॉलो करो, तुम कह रहे हो ये कह रहे हो, वो भगवान है, चल तू ये छोड़, एक चीज का कह रहे हैं सब लोग कह रहे हैं संसार बेकार है, ये तो कॉमन है, सब लोग कह रहे हैं संसार फंसाएगा, सब लोग कह रहे हैं तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, इसमें मत पढ़ो, समझने की कोशिश करो तुम कौन हो, तो ये तो फॉलो कर लो, फिर उसके बाद आगे की क्लास में डिसाइड हो जाएंगी चीजें। नर्सिंग क्लास की नहीं तुमने, तुम बात कर रहे हो कि 12th क्लास में वो स्कूल ये पढ़ा रहे, वो स्कूल पढ़ा रहे, भाई तुमने नर्सिंग क्लास पास की, वो तो की नहीं, तो क्यों डिबेट कर रहा है भैया 12th क्लास में क्या हो रहा है वहां। तो पॉइंट है ये लोग मुक्त होते हैं, मगर मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम, सिद्ध होते हैं, सिद्ध मतलब होते हैं जो इस मुक्ति के रास्ते पे चल रहे हैं। मुक्ति के रास्ते पे चलने वाले तो बहुत होते हैं ना, कोई ज्ञानी है, कोई योगी है नहीं, सब लोग ट्राई तो कर रहे हैं, कोई ज्ञान के रास्ते से कर रहा है, कोई योग के रास्ते से कर रहा है, कोई ध्यान के रास्ते से कर रहा है, कोई भक्ति के रास्ते से कर रहा है, सब मुक्ता नाम में आ गए, कोशिश कर रहे हैं, उनमें से एक ही को सिद्धि मिलेगी। सिद्धि मतलब एक ही व्यक्ति मुक्त हो पाएगा, और वो कौन है, वो है भक्त, वो कृष्ण कह रहे हैं, भक्त उद्धव से कह रहे हैं कृष्ण, न सांख्य न योगे न धर्म दान व्रत उद्धव, कैसा श्लोक है एग्जैक्टली, मतलब मुझे ज्ञान से, मुझे योग से, मुझे दान से प्राप्त नहीं कर सकते, मुझे केवल भक्ति से प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि मैं प्रेम के वश में हूँ, योग ज्ञान इसके वश में थोड़े ना हूं मैं। सो एक को सिद्धि मिलती है, वो है भक्त, ज्ञानी, योगी, इनको ये चाहते हैं मुक्ति मगर नहीं मिलेगी, इससे चाहने से थोड़े ना कुछ होता है, ये आप चाहते हो ठीक है, आप सिंसियरली चाहते हो, मगर आपका तरीका इसी नहीं, तो आपको कैसे मिल जाएगी, है नहीं। मतलब इस संसार के लोग चाहते हैं कि भगवान की कृपा हो हम पे, कहते हैं ना हमसे कि स्वामी जी आप कुछ बताइए, भगवान की कृपा हो, हमारे में प्रॉब्लम है, और वो खुद भी प्रे करते रहते हैं भगवान प्लीज कृपा कीजिए, प्लीज प्लीज, तो हो जाएगी। चाहने के बाद चलो चाह तो आप सही रहे हो अगर आपको कृपा चाहिए, मगर ऑफकोर्स ये तो गलत चाह रहे हो कि आपका काम बन जाए, बट ऑफकोर्स ये अगर आप चाह रहे हो कृपा हो, बट सिर्फ चाहने से बात नहीं बनेगी, आपको तरीका भी अपनाना पड़ेगा। आप चाहो कि प्लीज मुझे 1 करोड़ रुपये मिल जाएगा बैठे बैठे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए वो एक डिवोटी नहीं है, वो मेरे पास आते हैं, तो वही कह रहे थे कि प्रभु जी जब जब करना है तो जब करते हैं ना हरे कृष्ण
तो जप करते वक्त आपको पूरा चाहत से जप करनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, तो कैसे करते हैं मुझे दिखाना, मतलब कैसे करूं मैं चाहत से, मतलब क्या करूं। तो कहते नहीं नहीं प्रभु, कहते ना पूरे भाव के साथ जप करना चाहिए, है नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, मगर कैसे करूं मुझे बताओ, चलो पूरे भाव के साथ जप कैसे करूं, तू मुझे सिखा दे। तो सोच में पड़ गया। कहते नहीं नहीं प्रभु, आप समझिए पूरे भाव से करना चाहिए। मैंने कहा बता तो सही तू, तो फायदा क्या, जो चीज तू बता नहीं सकते इसने तुझे भी नहीं पता, समझ रहे हो, नहीं पता। जब उसको खुद ही, जब वो किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता इसका मतलब उसको भी नहीं पता, अगर पता है तो एक्सप्लेन कर सकते हो, सिंपल सी बात है नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ऐसे तो गाय पालते हैं आप लोग, गाय पालते हैं ना, अगर मैं पूछूं हाँ भाई गाय कैसे पालते हैं, तो आप बोलोगे पूरे भाव से पालो, अभी मुझे सिखा दो, कहेंगे चलो आ जाओ बताते हैं हम भाव से कैसे पालना है। नहीं सुबह सुबह उठो, जो भी है सुबह मालिश करो, गाय की मालिश होती है ना, मतलब मालिश करो, ध्यान रखो, उसको नहलाओ, उसको घुमाने ले जाओ, तब समझ आ गया चलो ये भाव होता है। अब ऐसी सेम बात है यहाँ पे, आप पूरे भाव से जप करो, अब कैसे करूं। तो फिर मैंने, मेरे थोड़े पूछने के बाद उसने कहा प्रभु मैं बताता हूँ, तो अब जप करो ना हरे कृष्णा 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 ऐसे करना चाहिए, थोड़ा सा हिलाते रहो और पूरे बस हरे कृष्णा करके। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा अच्छा, मतलब इसको भाव कहते हैं, मतलब ऐसे करने से हो जाएगा ये मुझे बताओ, और तुम्हारा मन लग गया ऐसे करने से। कहते मेरा तो लगा नहीं। तेने कहा भाई जब जो चीज़ तेरे पे काम नहीं कर रही मेरे पे थोड़ा ना करेगी, जो दवाई तेरे पे ही काम नहीं कर रही तो मुझे क्यों दे रहा है तू, तो बेवकूफ़ी नहीं है। सो पूरे भाव से जब करने का मतलब ये नहीं होता कि आप सर हिलाते रहो या बस बैठ जाओ बेहोश हो जाओ, पूरे भाव से करने का मतलब है, प्रभुपाद भाव की ट्रांसलेशन पता क्या दे रहे हैं, इमोशन नहीं दे रहे, आप पढ़ के देखो बुधा भाव समन्वित श्लोक में कृष्णा गीता में भाव के डेफिनेशन, इमोशंस नहीं दे रहे, पता क्या दे रहे हैं, क्या वर्ड दे रहे हैं, डिटर्मिनेशन, दैट्स भाव, दृढ़ता के साथ। तो दृढ़ता मतलब कि कुछ, दृढ़ता मतलब कोई एक्शन करना पड़ेगा, है नहीं, दृढ़ता मतलब कोई एक्शन आ गया, भाव मतलब कुछ करना भगवान के लिए, तब उससे पता लगेगा भाव, ऐसे थोड़े ना आएगा। सो पॉइंट ये है कि ये जो होते हैं ना, क्या कहते हैं, वो मैं टॉपिक क्यों लाया हूँ भाव का, एनीवे आई जस्ट लॉस्ट माय थ्रेड, क्यों लाया था, नहीं नहीं उससे पहले सिद्धा नाम, हाँ हाँ या मैं कह रहा था कि ज्ञानी योगी ध्यानी वो सिद्ध नहीं होते, उनको सिर्फ भक्तों को भगवान मिलते हैं, क्योंकि भक्तों में भाव होते हैं, क्यों, क्योंकि भक्त भगवान के लिए कुछ करते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं। ज्ञानी योगी आंख बंद करके बैठे रहते हैं, ज्ञानी तो समझने की कोशिश कर रहा है भगवान के लिए, कुछ करता नहीं, समझने की कोशिश कर रहा है, एनालाइज करता है, करता नहीं है। योगी वो आंख बंद करके ध्यान में बैठ जाएगा, भगवान को देखने की कोशिश करता है, ठीक है, योगी और ध्यानी। और जो बाकी लोग हैं ऑर्डिनरी लोग, कर्मी लोग, जो लोग थोड़ा पूजा कर रहे हैं, जो कृपा चाहते हैं, जो मुक्ति चाहते हैं, ऐसे बोलते नहीं भगवान हमें मुक्ति दीजिए, वो तो अपने लिए कर रहे हैं। तो भाई तीनों भगवान के लिए नहीं कर रहे, तो उनको क्यों भगवान मिलेंगे, भगवान तो उनको मिलेंगे जो उनकी सेवा करता है। योगी भगवान को देखने की कोशिश कर रहा है, ज्ञानी भगवान को समझने की कोशिश कर रहा है, जो ऑर्डिनरी आदमी है वो भगवान से कृपा मांगने की कोशिश कर रहा है, भक्त भगवान की सेवा कर रहा है। आप भगवान के लिए करोगे, भगवान आपके लिए करेंगे, सिंपल नहीं हो गया। तो सिद्धा नाम, सिद्ध तो केवल भक्ति होगा, सिंपल सी बात है, उसी को भगवान मिलेंगे, बाकी सब फेल हो जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा किसी को, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए इसलिए कहावत है ये, ज्ञानी पता क्या कर रहा है, ज्ञानी हलवे को एनालाइज कर रहा है, उसका केमिकल निकाल के कितना मीठा है, क्या सूजी है, वो एनालाइज कर रहा है। और जो योगी है वो हलवे को देख रहा है, ध्यान में बैठ के हलवे को देख रहा है। और जो कर्मी है, जो ऑर्डिनरी आदमी है, वो हलवे से प्रार्थना कर रहा है, प्लीज 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 मुझे अपना स्वाद दे दो, प्लीज प्लीज प्लीज। भक्त क्या कर रहा है, सीधा निकाल के आ रहा है, तो क्या बेटर हलो भाई, वही सेवा करना है। हम सीधा भगवान की सर्विस करते हैं, सर्विस करने से भगवान अपना अपना टेस्ट ही हमें दे देते हैं, अपना रस दे देते हैं, लो टेस्ट करो,
That's taste, नहीं. क्या कह रहे हो जनाब? भगवान भगवान तो है मगर सेवा पे नहीं आते. जब तक भक्तों का संग नहीं होगा तब तक कोई इस कंक्लूजन पे नहीं आ सकता कि भगवान की सेवा करनी असंभव है. क्योंकि ज्ञानी सोचेगा भगवान, अगर हम वो सोचेगा मुझे भगवान की सेवा करनी है तो वो उसके माइंड में लॉजिक लगेगा, वो कहेगा भगवान की सेवा मैं क्या करूंगा. ज्ञानी है ना वो, भगवान के सब कुछ है, वो तो अंतर्यामी है, महान है, तो मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, मैं थोड़ा ना कुछ कर सकता हूँ, उनको तो कुछ चाहिए भी नहीं. वो अपने लॉजिक कुतर्क से इस सिचुएशन में आ जाएगा. वो तो भक्त जब मिलेंगे कहेंगे भाई तू बेवकूफ है, तू तो ज्ञान से सोच रहा है ना, ज्ञान से कुछ करने की जरूरत नहीं है, मानते हम, मगर प्रेम से करने की जरूरत होती है. ऐसे मैं हूं तो आप मेरे लिए, अगर मैं बोलूं भैया आप मेरे लिए प्रसाद भी लाते हो, बना के डिवोटीज पानी भी लाते नहीं लाते हैं. मुझे जरूरत है नहीं, मैं खुद कर सकता हूँ, कर सकता हूँ. मगर आप फिर भी करोगे, करोगे या नहीं करोगे? करो, क्यों करोगे, क्यों करो? प्रेम है बस, देखा है नहीं, प्रेम है. एक वाइफ हस्बैंड के लिए करती है नहीं करती है? हस्बैंड कर सकता है, खुद कर सकता है, कोई लाचार थोड़ा ना. मगर फिर भी वो करती है, उसको पता है खुद कर सकते हैं, बट ऑफकोर्स उसको नहीं पता. वो तो सोचते कुछ नहीं कर सकते तो ये करती रहे, उनका माइंड अलग चलता है, मुझे पता है. बट वो खुद भी कर सकता है, बट फिर भी वाइफ करते क्योंकि प्रेम है नहीं, प्रेम है नहीं है. सो दैट्स अ पॉइंट देयर. इसलिए भगवान के भक्त ही सिद्धि प्राप्त करते हैं, भगवान के लिए करते हैं प्रेम से, और भगवान प्रेम के वश में रहते हैं. तो मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम. और जिनको जो सिद्ध हो जाते हैं, जिनको भगवान, जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, उसमें भी बड़े सारे लोग हैं नहीं, हम सब सेवक बड़े सारे लोग हैं ना, जो मुक्ति के रास्ते पर चल रहे हैं, उसमें से एक को सिद्धि मिलती है. सिद्धि मतलब उसको समझ आ जाता है कि भक्ति क्या है, मुझे सेवा करनी चाहिए, ज्ञान योग ये सब छोड़ दो, तो इस रास्ते पर चल पड़ता है, सही रास्ते पर, सेवा के रास्ते पर. और जो हजारों लोग जो इस सेवा के रास्ते पर चल रहे हैं सिद्धा नाम, उनमें से एक को नारायण परायण, देख रहे हो, परायण, परायण मतलब होता है वो नारायण का शुद्ध भक्त बन जाता है. परायण मतलब उनका पर्सनल एसोसिएट, पर्सनल एसोसिएट समझते हो ना, पार्षद, उनमें से एक भगवान का पर्सनल एसोसिएट बनता है. मतलब हम सारे डिवोटीज में से जो अब इस रास्ते पे आए हैं उसमें से एक, मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कोटिशु, कोटिशु, कोटि समझते हो, कोटि मतलब हजारों में से नहीं, करोड़ों में से, करोड़ों भक्तों में से एक को भगवान की प्राप्ति होगी. क्या चांस क्या आपका, सोच लो, कोई है? मतलब हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम भक्ति में आ गए हैं, करोड़ों लोग तो भक्ति में है ही नहीं, करोड़ों में से एक भक्ति में आएगा, मतलब 99% लोग तो खोए हुए हैं संसार में अपने मन से, उसमें से थोड़े से योगी ज्ञानी ध्यानी बनते हैं, उसमें से भी हमें समझ आ गया भाई सेवा करनी चाहिए. भगवान एग्जैक्टली कौन है, उनका एड्रेस क्या, उनका नाम क्या, हमें पूरी इन्फॉर्मेशन है, कन्फ्यूज नहीं हम. अब उनमें से भी हमारा सौभाग्य हम आ गए, मगर अभी हमारे में से भी करोड़ों में से एक को भगवान मिलेंगे, वो सौभाग्य है. मगर अभी उस सौभाग्य को हमें अति सौभाग्य बनाना पड़ेगा, वो उसको परफेक्शन तक ले जाना पड़ेगा. चांस मिल गई है, अब परफेक्शन तक ले जाना आपका काम है, समझे. भगवान भक्ति के रास्ते पे तो ले आए आपको, भक्तों का संग देकर किसी तरह, अब आगे बढ़ने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बस. दैट्स अ चैलेंज नाउ. सो नारायण परायण, यू सी. तो इसलिए वो कह रहे हैं कि सुदुर्लभ, ऐसे भक्त बहुत दुर्लभ ही नहीं, सुदुर्लभ है. और इसी एक को भगवान, जैसे प्रभुपाद जी हो गए, भक्ति शांता हो गए, या मध्वाचार्य, रामानुचार्य, बड़े बड़े आचार्य हुए ना, वैष्णव आचार्य, वो एक ही होते हैं, सुदुर्लभ होते हैं. क्यों होते हैं सुदुर्लभ? पॉइंट ये है कि भाई इतने सारे भक्तों में से एक को क्यों मिल रही है नहीं, सबको क्यों नहीं मिल रहे भगवान? सब कोशिश तो कर ही रहे, मतलब भक्ति के रास्ते पे हैं, तो अब हम उनकी बात कर रहे हैं जो भक्ति के रास्ते पे सिंसियरली है, जो कंफ्यूज नहीं है. तो क्यों नहीं मिल रही, मतलब क्योंकि वो एक को क्यों मिल रही है, वो कौन है, एक क्या क्वालिफिकेशन है? तो यहाँ क्या लिख रहे हैं,
प्रशांत आत्मा, क्योंकि वो प्रशांत आत्मा है। अब प्रशांत, शांत मतलब होता है शांत, प्रशांत मतलब होता है, प्रशांत एक अलग वर्ड है, प्रशांत मतलब होता है शांत, तो मतलब है कि जो संसार की चीजों से परेशान नहीं हो रहा, संसार की छोटी छोटी चीजों से परेशान नहीं होता। उसको समझ आ गया कि संसार में जो भी हो रहा है मुझे परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे कोई कनेक्शन ही नहीं है इससे। भैया होटल में रहने गए, होटल में कुछ भी हो रहा है आपको परेशानी थोड़ी ना होगी। आप होटल में जा रहे हो, होटल होटल की दीवार पे किसी ने पान थूका, होता नहीं होता सीढ़ी पे, तो आप देखोगे आपको है कितना गंदा है, चले जाओगे बस, आपको परेशानी नहीं होगी। फिर घर में आए, आप घर में आकर ड्राइंग रूम में थूका हुआ है पान, किसी आगे छोड़े आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि आपका अपना है ना वो, होटल आपका नहीं अपना नहीं है। तो संसार में जो भी हो रहा है मैं परेशानी नहीं होती, संसार हमारा अपना है नहीं भाई। संसार में कोई थूके पान, कोई कुछ भी करे, टॉयलेट करे, हमें क्या लेना देना। तुम काटो मारो कुछ भी करते रहो भाई, हम क्या करें इसका, हमारा घर तो है ही नहीं है, हमारा घर तो गोलोक है, हम तो मृत्यु के बाद वहां जा रहे हैं, हम तो आगे है ही नहीं। तो इसलिए प्रशांत मतलब होता है जो संसार की चीजों से परेशान नहीं होता, प्रशांत होता है जो अपने मन से भी परेशान नहीं हो रहा। दो चीजें हो गई नहीं। कुछ लोग होते हैं संसार में जो संसार की चीजों से ज्यादा प्रभावित नहीं होते, कुछ लोग नॉर्मली ऐसे होते हैं नहीं, खुश मिजाज लोग होते हैं ना कुछ लोग, मतलब ठीक है कहते हैं चलता है देखा जाएगा, मतलब कुछ लोग होते हैं ऐसे। मगर ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो अपने मन से परेशान ना हो, अंदर अंदर तो सोचता रहता है वो कुछ ना कुछ अपने बारे में या घर के बारे में, कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा। तो शांत वो है जो संसार से शांत परेशान ना हो, प्रशांत वो है जो संसार और मन से भी परेशान हो, ना बाहर की परेशानी ना अंदर की परेशानी। शांत में तो सिर्फ बाहर की परेशानी आ जाएगी, प्रशांत में अंदर की परेशानी आ जाएगी। अब प्रशांत अंदर मन क्यों परेशान करता है, मन करता है परेशान इच्छाओं की वजह से। तो प्रशांत वो है जिसमें कोई इच्छाएं, भोग करने की इच्छा नहीं है, सेवा करने की इच्छा तो है, भोग करने की इच्छा नहीं है। तो वो कह रहे हैं किसको, कौन सुदुर्लभ व्यक्ति है जिसको भगवान मिलेंगे भक्ति के रास्ते पे, जिसमें अपने स्वार्थ की कोई इच्छा नहीं है, जिसमें अपने भोग की कोई इच्छा नहीं है, जिसने अपने मन को अपने वश में कर लिया, बेसिकली है प्रशांत, जिसने अपने मन को अपने वश में कर लिया है। मन सावेगम क्रोध आवेगम उद्रपद सवेगम एतान वेगान विशते धीरा सर्वमीमाम पृथ्वी से शिष्यात्, जिसने अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है उसको भगवान मिलेंगे। अब वो करना आसान है, आप भक्ति भी कर रहे हो तब भी आपको पता है कि मन ऐसा पटक पटक के मारेगा कि धोबी से भी ज्यादा आपकी पिटाई हो जाएगी, आप घर नहीं पाओगे इतनी आसानी से, करने नहीं देगा वो। तो इसलिए कह रहे हैं प्रशांत आत्मा। सो पॉइंट यह है कि अब आप भक्ति के रास्ते पे आपको एक ही काम करना है भाई, अपनी इंद्रियां और मन को वश में करना है किसी तरह। वो भक्ति करने से हेल्प मिलेगी अगर आप सही से करोगे तो, भगवान का नाम लोगे, भगवान के नाम में और भगवान के भक्तों में शक्ति है ना, बट आपको थोड़ा सा कॉन्शियस एफर्ट समझते हो ना, कैसे कहेंगे, अपने में प्रयास थोड़ा करना पड़ेगा, हारो मत। कृष्णा कह रहे हैं उद्धव से, वैसे भागवतम में कि मेरे भक्त जो मेरी भक्ति करते हैं वो प्राय अपनी इंद्रियों और मन से हार जाते हैं शुरुआत में, नहीं हार जाते, कंट्रोल तो है नहीं। भगवान कह रहे हैं मगर उसको कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, डिप्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस करता रहेगा तो उसको याद रखना चाहिए मैं उसके साथ हूं और मैं उसको हाथ पकड़ के सिद्धि तक ले जाऊंगा, प्रोवाइडेड वो अभ्यास नहीं छोड़ रहा, दुखी नहीं हो रहा। हजार लोग कहेंगे आपको दुनिया में, ऐ क्या माला कर रहे हैं, मन मन तो लगता नहीं, ढोंग कर रहा है, ऐसे ही कहेंगे ना, ऐसे बेवकूफ लोग हैं, सठिया हुआ है माइंड, भाई प्रैक्टिस कर रहे हैं नहीं, प्रैक्टिस में तो ऐसे ही होता है। ऐसे तो कोई म्यूजिक सीखने आ रहा है आपका बच्चा हारमोनियम, फिर कहो आप कहोगे बेटे सुनाना, सुना है, गलती हो गई, अबे क्या दिमाग खराब साले, ढोंग कर रहा है, ऐसे कहोगे भैया वो सीख रहा है यार, उसको तो उत्साह दोगे तो और सीख भाई, क्या पता है प्रैक्टिस कर, वो क्लेम तो नहीं कर रहा मैं परफेक्ट हूँ। तो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, मगर लोग उद्वेची होते हैं,
संसार के लोग ना सब द्वेषी होते हैं, उनको ना खुद करना है ना दूसरों को देख के उनको शांति मिलती, खुशी होती है उनको, खुशी नहीं होती उनको, द्वेष होता है। तू क्या कर रहा है, ढोंग कर रहा है, तू क्या कर रहा है भाई, ये बता, तू तो नॉनसेंस कर रहा है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ऐसे लोग मिलेंगे, आगे भी मिलेंगे, मिलते ही होंगे, नहीं करोड़ों लोगों का दिमाग आउट होता है, बोलते ऐसा है क्योंकि द्वेष करते हैं, वो चाहते नहीं कि किसी की लाइफ परफेक्ट हो जाए। वॉन्ट दैट, इसको क्यों खोल रहा, बैटरी खत्म। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, चलो आप करो इसको, लाओ नहीं ये तार खराब है। एनीवे आई विल स्पीक, सुनाई दे रहा है। सो नाउ दैट्स हाउ इट गोज, आई मीन टू से, अगर कोई ऐसे बोले ना आपको तो बोलो भाई हमने कब कहा कि हम परफेक्ट हैं, हमने कब कहा, हम झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं, हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तुम्हें तो हमें उत्साह, उसको उल्टा बोलो, तुम्हें तो उत्साह देना चाहिए तुम्हें, तुम खुद तो कर नहीं रही हो, हमें तो उत्साह दे दो। यू सी, आप झुको मत, आप अगर कोई आपको बोलेगा मत बोलो, आप आपको बोलेगा तू क्या ढोंग कर रहा है, तेरा मन नहीं लगता, आप उल्टा आप बोलोगे यार हाँ मेरा मन तो नहीं लग रहा यार, नहीं आप झुकना मत उसके सामने, हाँ मेरा मन तो नहीं लग रहा, मैं तो पता नहीं ढोंग कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, भाई ढोंग क्या कर रहे हो आप, प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट्स ऑल फिनिश। तो ये जो दादी नहीं आती है यहाँ पर, तो हमारी डिवोटी हैं, तो वो अपना जप जप कर रही थी खिड़की के बाहर देख कर, तो उनके बच्चे आ गए, तो बच्चे कहते हैं माँ, उनकी मम्मी है ना, मम्मी ढोंग छोड़ दो बाहर देख के जप कर रही हो, ये भी कोई जप है। तो मुझसे आके बोल रही थी प्रभु जी मैं क्या करूँ, मेरे बच्चे ऐसे कह रहे हैं। मैंने कहा उनको जाके बैंड बजाओ पहले, उनकी उनको बोलो तुम क्या कर रहे हो, जब टीवी देख रहे हो तो बोलना क्या कर रहे हो, नंगी लड़कियां देख रहे हो नाचते हुए, ये है तुम्हारी इज्जत, उनको बोलो एटलीस्ट मैं नाम तो ले रही हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा, मैंने कब का मन लगाने की कोशिश कर रही हूँ। सो दैट्स हाउ इट गोज, प्रशांत आत्मा, कोशिश करो अपना मन कंट्रोल करने की, इंद्रिया मुश्किल है हमें पता है, भगवान कह रहे हैं डिप्रेस मत हो, डिप्रेस मत हो, अभ्यास है ना तू कौन थे, वैराग्य ना च दुष्कृता, भगवान कह रहे हैं दुष्कृति है बहुत मुश्किल है, मगर अभ्यास से पॉसिबल है, बाकी मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता क्यों कर रहे हो, है नहीं। पेरेंट्स ये तो कहते हैं, बच्चा कहता नहीं पापा बोर्ड के एग्जाम बहुत मुश्किल है क्या करूँ क्या करूँ, पेरेंट्स क्या कहते हैं, बेटे तू कर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेहनत कर मैं तेरे साथ हूँ, कहते नहीं कहते, उसको उत्साह मिलता है ना तो करते हैं। और पापा कहते हैं ठीक है कोई प्रॉब्लम मुझे बताइयो मैं हेल्प कर दूंगा, मम्मी भी कहते हैं कोई बताइयो मैं हूं तेरे साथ ना। सो भगवान हमें उत्साह दे रहे हैं, यस सुदुर्लभ प्रशांत, प्रशांत आत्मा कह के भगवान हमें डिस्करेज नहीं कर रहे कि हजारों में से एक को मिलेगा, हम कहोगे भाई हमारी चांस तो है ही नहीं, हमारे तो माइंड, भगवान ये नहीं कह रहे, भगवान कह रहे हजारों में से एक मिलेगा और वो तुम भी हो सकते हो। अब एक कौन है, किसकी इंद्रिया कंट्रोल है, किसका माइंड कंट्रोल है, तुम करो तुम्हारा भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम ट्राई करते रहो, उसमें क्या है। प्रशांत आत्मा कोटिश्वपी महामुने, महामुने महामुने मतलब होता है वो घर एड्रेस कर रहे हैं महामुनि, महामुनि कह रहे हैं, मुनि मतलब पता है क्या होता है, जो विचार करता है, मुनि मुनि मन 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 से आएगा, मनु मन से आएगा, मुनि समझे, जो जो अपने मन से विचार करता है उसको कहते हैं मुनि, विचार करने वाला। सो मुनि वो कह रहे हैं महामुनि, अगर अपनी इंद्रियां कंट्रोल करनी है, माइंड कंट्रोल करना है, तो क्या करना है महामुनि, विचार करो। विचार कोरिया मने भक्ति रसास्वादाने, भक्तों को सुनो पढ़ो विचार करो, सुनो पढ़ो विचार करो, ये करते रहो और चैंटिंग करो, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे तो हो जाएगा, क्या हो गया, कंसेप्ट ही तो क्लियर करने हैं, कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर डाउट है ना, तो फिर बात नहीं बनती, और नाम से शक्ति मिल जाएगी। सो एक्चुअली विचार करने का बहुत रोल है हमारे डिवोशन में, मतलब ऐसा ऑन द कॉन्ट्ररी ऐसा नहीं होता, जनरली भक्ति को ऐसा दिखाया जाता है कि ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे दिखाया जाता है ना कि भी सेवा करो बस और कृपा आएगी, इतना नहीं है सिर्फ। और अगर तो अगर कोई ज़्यादा पढ़ता है भागवत श्लोक आते हैं विचार करते तो लोग क्या कहते हैं, तो भक्ति कम्युनिटी में लोग कहते हैं ये तो ज्ञानी है, ये तो भक्त नहीं है, ये तो ज़्यादा ही सोचता है, ज़्यादा ही श्लोक लोग आते हैं, इसको पता नहीं क्या कर रहे हैं। वेल हम नहीं कह रहे, ज्ञान भक्त अज्ञानी नहीं होता,
भक्त कोई मूर्ख होता है? भक्त तो बल्कि बहुत इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि भगवान का जुड़ा हुआ है ना, भगवान की नॉलेज है उसके पास। सो भगवान ने अब नॉलेज दे दी, गीता दे दी, भागवतम दे दी, आपको पढ़ना है, आपको टाइम इस पर स्पेंड करो, क्योंकि ज़्यादा टाइम करोगे स्पेंड तब समझ आएंगी, नहीं जितना टाइम स्पेंड करोगे तभी तो आएंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो समझनी होती हैं। आपको लगेगा आप क्या समझना है, आप तो समझ ही आ गया, चैंट जब करना जन्म मृत्यु, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको पता भी नहीं है, आपको पता ही नहीं एक्चुअली क्या क्या कन्फ्यूजन्स होती हैं, वो सारी चीज़ें अब आपको कैसे पता लगेगा। अब तो मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि भक्ति में ये भी समझना होता है कि विरोध रस क्या होता है, समझ आया? तो कभी कभी वात्सल्य रस मुख्य रस बन जाता है और रौद्र रस गौण रस बन जाता है, कभी कभी रौद्र रस मुख्य बन जाता है, वात्सल्य गौण बन जाता है, मगर वो फिर रसाभास है, उसमें हमें पढ़ना नहीं है, समझ आ रहे? कुछ भी नहीं आ रहा। और ये क्या है, ये भी कंफ्यूजन है, जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करोगे आप भगवान को प्राप्त नहीं करने वाले, आपको प्रेम मिलेगा ही नहीं। मगर प्रॉब्लम है आपको ये भी नहीं पता कंफ्यूजन एग्जिस्ट करती है, समझे? ये भी तो नहीं पता कि, क्योंकि आप आगे नहीं बढ़े ना, अभी आगे जाओगे तब आएगी कंफ्यूजन। ये भाई फर्स्ट क्लास में थोड़े ना पता लगेगा, ट्वेल्थ क्लास में क्या कंफ्यूजन आएगी, और ट्वेल्थ क्लास में आके पता लगेगा भाई ये भी होती है कंफ्यूजन, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। सो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि अभी तो आएंगी, क्वेश्चंस भी आएंगे, अभी तो आपको क्वेश्चन ही नहीं पता है एग्जिस्ट भी करते हैं ये। तो मैं आपको एक क्वेश्चन मैंने बताया, आप इस क्वेश्चन का क्या करोगे, आपको तो पहले क्वेश्चन समझना पड़ेगा, ये भैया क्वेश्चन होता क्या है, पहले आंसर तो बाद में बताऊंगा, बोल क्या रहा है तो समझ ही नहीं। ये तो फ्रेंच लग रही होगी ना आपको, फ्रेंच लग रही होगी ये, या अगर मैं आपको बोलूं कि देखो ऐसा है कि कि प्रेम स्नेह मान और प्रणय में अंतर पता होना चाहिए, वरना पटक जाओगे आगे जाकर, आंसर क्या है, तो कैसे बचे उससे, आंसर बताना, क्या कहते हो, आंसर है? आप पूछोगे भाई क्वेश्चन तो समझा दो, क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन नहीं, आपको तो शब्द ही नहीं सुने होंगे। तो तभी तो भाई, तभी तो हम भी अभी तक पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं आप बताना, हम क्या वही पढ़ते जा रहे हैं जो 20 साल से वही पढ़ते जा रहे हैं क्या, ये आपको बता रहा हूँ मैं, तो मैं बोरी हो जाएंगे, मतलब क्या चल रहा है, हो ही तो हम भी अभी तक पढ़ते रहते हैं, मगर हमारा लेवल ऑफ पढ़ना अलग चलता है, क्योंकि हम एक डिफरेंट लेवल पे काम कर रहे हैं, आप लोग डिफरेंट लेवल पे काम कर रहे हो, हमारे लेवल पे अलग प्रॉब्लम्स हैं, आपके लेवल पे अभी भी अलग प्रॉब्लम्स हैं, और वो सारी प्रॉब्लम्स भी शास्त्रों में लिखी हैं। प्रॉब्लम सिर्फ शास्त्रों में आंसर नहीं है, शास्त्रों में प्रॉब्लम्स भी हैं, प्रॉब्लम आंसर फिर आपको सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए महामुनि कहते हैं, महामुनि विचार करो। सो विचार करने से ना आपको एक चीज समझ आ जाएगी, पता है इस संसार में, प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में, जाके पढ़ लेना, कि इस संसार में ना दो तरह के ज्ञानी होते हैं, वह विचार करोगे दो तरह के ज्ञानी होते हैं। एक ज्ञानी होता है जो भक्ति नहीं करता, सिर्फ ज्ञान में लगा रहता है, जैसे फिलोसफर्स समझ रहे हो ना, दार्शनिक, वो भी ज्ञान में पढ़े हुए हैं, वो भी समझना चाहते हैं संसार क्या है, भगवान क्या है, सृष्टि कैसे, वो भी सारे क्वेश्चन उनके पास भी होते हैं, तो वो लोग भी होते हैं, वो लोग भी विचार करते हैं, मुनि तो होते ही हैं, मगर उनको मुक्ति वुक्ति कुछ भी नहीं मिलती, क्योंकि वो भगवान का सहारा ले ही नहीं रहे, वो तो सिर्फ ब्लैंक विचार करते हैं ना फिलोसफर्स। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं उनको तो कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि प्रभुपाद तो यहां तक लिख रहे हैं, शास्त्र तो यहां तक कह रहे हैं, हरि भक्ति सुदोहों में लिखा है, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जो भगवान की भक्ति नहीं करता उनको ज्ञान मुक्ति क्या, उनको तो स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, उनकी इच्छाएं भी पूरी नहीं होगी उनके उनके जीवन में, अगर कुछ होंगी भी तो उनके कर्मों की वजह से पूरी हो जाएंगी, बाकी नहीं होगी, उनको तो केवल एक ही चीज मिलेगी, राक्षसों की योनि में जन्म, एक ही चीज मिलेगी, क्योंकि जो भक्त नहीं है वो क्या है, राक्षसों ने, मैंने क्या बताया था, कोई सींग वींग की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पर, राक्षस मतलब रक्त भक्षक, जो लोग दूसरों का शोषण करते हैं वो राक्षस, यही है ना सोसाइटी, मतलब अल्टीमेटली तो यही है, कोई ज्यादा कर रहा है शोषण, कोई कम कर रहा है, कोई गंदी तरह कर रहा है, कोई तहजीब में कर रहा है, कर तो सभी रहे हैं, नहीं ऐसा होता है ना, हलाल और हराम नहीं पता आपको, कोई झटके से मारता है,
कोई आराम आराम से छुरी चलाता है, छुरी सब चला रहे हैं, सब चला रहे हैं, यानी ऐसी होता है नहीं होता है, मतलब कोई दुश्मनों पे छुरी चला रहा है, कोई अपने रिश्तेदारों पे छुरी चला रहा है, वो आदत तो है, वो तो हम करेंगे ही करेंगे। सो उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, दे विल हैव टू गो डाउन। बिना भगवान के किसी की कुछ भी सदगति नहीं हो सकती। आप ही कह सकते हो, वो तो वैसे एक्चुअली कल मैं एक तो कल मैं डॉक्टर के पास गया था, मतलब डॉक्टर क्या मतलब ऐसे ही मिलने गया था, तो ही इज माई रिलेटिव, तो मैं जा रहा था तो मैं मिल लिया, तो वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, आइस के डॉक्टर हैं, तो मैंने कहा चलो आइस भी दिखा दूँ, मुझे थोड़ा पेन हो रहा था, तो वो भी चलो जो भी हुआ मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कहा भी तो मैंने मैं बता रहा था ऐसी बहन कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा भी मैं तो शांति हूँ। मैंने कहा देखो आप कह रहे हो अच्छा नहीं होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, भोग नहीं करना चाहिए ना, मैं मेरे पास अच्छा है, मैं कोई शॉपिंग कुछ नहीं करता, पैसे वेस्ट नहीं करता, मैं शांत भी हूँ और मैं तो आराम से बैठा हूँ, मैंने तो जॉब भी कम कर दिया, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम एक है, प्रॉब्लम है कि वो शांत तो हैं, दो हैं, ये पहली प्रॉब्लम है कि शांत हैं, उन्होंने जीवन का लक्ष्य क्या बना लिया है, शांति, भगवान नहीं है, और दूसरी प्रॉब्लम है कि अशांत होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जब शांति आई है तो फिर से अशांति आएगी आएगी, वो कैसे रोक लेंगे, कितने टाइम तक अशांत रहे, शांत रह लोगे, संसार में तो उल्टा पुल्टा चलता ही रहता है, नहीं, जब आप सोचोगे ना सब सही हो गया उसी वक्त खराब होगा, आप देख लेना ये रूल है संसार का, जब जैसे ही आप सोचोगे ना सब सही हो गया उसी वक्त आपकी बैंड बजेगी, खराब होगा, और भगवान आपको सिखाएंगे, भगवान सिखाएंगे, तू सोच रहा था ना सबको सही हो गया, तू सोच रहा था ना, और सोच रहा था ना तूने अपने आप किया है, अब मैं दिखाता हूँ संसार क्या है, उसी वक्त खराब होगा। ऐसा होता है, होता है नहीं होता है, एक्सपीरियंस किया है नहीं किया है, सब चीज़ें हाथ से बाहर निकल जाती है। सो अहंकार तोड़ने के लिए संसार बनाए ही है ना, अहंकार तोड़ने के लिए सब ऐसे हम बन जाते हैं। सो द पॉइंट इज, ठीक है, ज्ञानी टाइप के लोग हैं जो मतलब भगवान को छोड़ के अपनी लाइफ चला रहे हैं, जो समझ रहे हैं मैं ज्ञानी हूं, उस चक्कर में भगवान को, उनको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं जो ज्ञानी भी होते हैं, ज्ञान से इस कंक्लूजन पे आ जाते हैं भक्ति करनी है, आ तो जाते हैं हाँ सेवा करने, ज्ञान दिमाग भेड़ भेड़ के, मगर प्रॉब्लम ये होती है कि भक्ति में आकर निष्कर्ष ये निकालते हैं वो ज्ञान, आफ्टर ऑल ज्ञान तो कर ही रहे ना, प्रेम तो है ही नहीं, कि भाई भक्ति करूंगा मैं, भक्ति को इस्तेमाल करके मुक्ति प्राप्त करूंगा, फिर भक्ति छोड़ दूंगा। ऐसा लोग कहते हैं कि राम का नाम, आप कथाएं सुनो, सब लोग ये बोलते हैं राम के भजन भी गाएंगे, राम का नाम, कृष्ण का नाम, आत्मा, आप कहोगे यार ये भी तो ये बोल रहे हैं, मगर आप असली में सुनते रहोगे ना तो कहेंगे अल्टीमेटली आत्मा को परमात्मा में लीन होना है, कहने का मतलब है भक्ति छोड़ देना है, नहीं जब ना स्वामी रहेगा ना सेवक, भक्ति खत्म हो गई ना, वो भक्ति को एक रास्ता बनाते हैं मुक्ति तक पहुंचने के लिए, भगवान में लीन होने के लिए, अभी तो बहुत ही गंदा है, आपने भक्ति को सीढ़ी बना लिया है, नहीं मतलब सीढ़ी से चढ़े सीढ़ी को फेंक दिया, समझे। तो ऐसे ज्ञानी भी होते हैं जो ज्ञान से कंक्लूजन आते हैं तो भक्ति ज्ञान को मिला के करते हैं, भक्ति को यूज करते हैं, ऐसे लोगों क्या, ऐसे लोगों को बोलते हैं मायावाद, प्रभुपाद लिख रहे हैं, ऐसे लोगों क्या मिलेगा, ऐसे लोगों को नर्क मिलेगा, क्योंकि वो भक्ति के प्रति अपराध कर रहे हैं, नहीं भक्ति को उन्होंने सीढ़ी बना लिया, भगवान के नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं मुक्ति पाने के लिए, अब वो तो यूज हो गया ना, हम नाम को यूज थोड़े ना करते, हम तो नाम के सेवक हैं, समझे नहीं समझे, तो वो खराब हो गया। असली ज्ञानी जो होते हैं वो इस कंक्लूजन पे आते हैं, हमें भक्ति करनी है, हमें सेवा करनी है, और भगवान से कुछ भी नहीं मांगना, ना मुक्ति ना पुण्य ना कुछ, हमें भगवान की भक्ति भगवान के लिए ही करनी है, क्योंकि इसको कहते हैं प्रेम। हम अपने बच्चों की सेवा क्यों करते हैं, क्यों करते हैं आप बताना, कुछ पाने के लिए कि बड़े होके देखो हमें मदद करेंगे, कर कुछ भी नहीं, पेरेंट्स का पूछो क्यों करते हो, अब वो कहेंगे बच्चों के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे, यही होता है ना, कि प्रेम है, इसको प्रेम कहते हैं। तो ऐसे आप भगवान की सेवा क्यों करते हैं, आप अगर आप पूछे भगवान की सेवा क्यों कर रहे हो, आपका ये आंसर होना चाहिए भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे, बता दो, तुम बता दो, तो इसको कहते हैं प्रेम। तो ऐसे लोगों की बात हो रही है इस श्लोक के अंदर, महामुनि, महामुनि इस निष्कर्ष पे आता है विचार करके ना,
ज्ञानी हैं, फिर ज्ञानी भक्त हैं, फिर शुद्ध भक्त हैं जिनको ज्ञान भी है भक्ति का, तो उनके लाइफ परफेक्ट हो जाती है। ऐसे परफेक्ट होती है लाइफ। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ पूछना, कुछ कहना है? आई विल स्टॉप हियर। कोई क्वेश्चन है? ओम शांति है शास्त्र में, उपनिषदों में ओम शांति स्टार्ट ऐसी होता है, ओम शांति ओम शांति, एंड भी ऐसी होता है, एंड में जब होता है ना, जब ओम शांति, हाँ तो वो शास्त्रों में है ओम शांति। ओम ओम भगवान का नाम है, ओतम प्रोतम इति ओम भगवान का एक नाम है, ऑफिशियल नेम है, और मतलब यह है कि जब आप भगवान का नाम लोगे तो आपको शांति मिलेगी। शांति हमें मतलब इच्छाएं, माइंड कंट्रोल हो जाएगा, यहाँ पे शांति का मतलब ये है। शांति का मतलब वो नहीं है कि बस आपको साधारण आके जुगाड़ हो गया, पैसे बन गए, वो बात प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कल मेरे पास फ़ोन आया था कि प्रभु जी आपके लेक्चर बहुत अच्छे लगे, वो बेंगलोर पता नहीं मेल आया था, तो मैंने कहा अभी क्या है, क्या 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 काम है? कहते प्रभु जी एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या? तो मेरे पास 10 लाख का कर्जा चढ़ गया, कुछ बताइए। तो मैंने कहा ऐसा है भाई, ऐसे ये पूछना है तो किसी फाइनेंस वाले के पास जा, उसे मत पूछ, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि कर्जा चढ़ गया है तो भगवान से कुछ मांगने की जरूरत नहीं, कर्जा उतर जाए, कर्जा चढ़ जाए, यू हैव टू डू एनीथिंग। सो भगवान पे छोड़ो, अगर भगवान चाहते हैं। एक मसूरत इनको प्रसाद दे दो जो जा रहे हैं, वहाँ मिश्री पड़ी है। सो भगवान जो चाहते हैं वो, अगर भगवान पे छोड़ो, अगर भगवान से बोलो कि भगवान अगर आप चाहते हैं कर्जा चढ़ा रहे तो मुझे मंजूर है, अगर आप चाहते हैं उतर जाए तो मुझे मंजूर है, आप बेस्ट जानते हैं मेरे लिए, तब फायदा। मुझे पता है उसको आंसर शायद अपीलिंग ना भी हो, क्योंकि तो पूछ ही रहा कर्जा प्रॉब्लम, तो हम तो यही आंसर है, नहीं हम क्या उसको आंसर गलत थोड़ा ना देंगे। सो इट्स लाइक दैट, कर्जा वर्जा, तो ऐसे भी लोग होते हैं देख लो। ओके, क्या कह रहे हो? और कोई क्वेश्चन है? अदरवाइज अगर कोई मारने भी आ जाए ना, खून करने, तो भी भगवान से मत मांगना, एक बार तो मांग लें, बच जाएं, भगवान आप डिसाइड कीजिए, अगर आप चाहते हैं मरना है तो। क्या कह रहे हो? देखने में आप ही, आपके आंसर में, आप क्वेश्चन में आंसर है, देखने में ही लगते हैं ना। तो बुजुर्ग हैं वहाँ पे, आते हैं 15 साल से मंगल आरती अटेंड कर रहे हैं डेली, 86 ईयर। अच्छा, सर्दियों में भी नहीं रुके, आने का जाने का साधन भी नहीं है वहाँ पे, तो फिर हम भी बहुत प्रभावित हुए उनसे। लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ कि थोड़ा सा इंटरेस्ट खत्म हो गया उनमें। हाँ, मतलब मंगल आरती नहीं आ रहे वो? नहीं, मंगल आरती आ रहे हैं। उन्होंने क्या किया, अभी किसी रीजन से मंदिर में गेट पे शिव मंदिर बनाना पड़ा। अच्छा ठीक है, तो वहाँ पे मंगल आरती अटेंड करके बाहर निकलते हैं तो शीतल मंदिर में जल चढ़ाते हैं। इसका मतलब उनको कभी इस फिलॉसफी क्लियर नहीं है, 15 साल में भी होता है। तो आपने पूछा उनसे? उनसे तो मैंने बाद में पूछा, पहले मैंने मंदिर में ब्रह्मचारी इनको बोला, चलो हो सकता है इनको फिलॉसफी क्लियर ना हो, चलो तो फिर मतलब आपका तो मंदिर वालों का फर्ज नहीं बनता इनसे बात करी जाए इस बारे में, बोलना चाहिए। उन्होंने ये बोला कि मतलब ऐसा नहीं है किसी की भक्ति करना गलत, वो जल चढ़ा रहे तो गलत है आप। वो ये बोल रहे थे कि तो फिर तो भगवान, मुझे भगवान का प्रेम चाहिए, भक्ति बढ़ा दो मेरी, इसलिए उनकी देवताओं की पूजा कर सकते हैं। जो मंदिर में जो बोल रहे हैं उनसे, पहले तो उनसे पूछो तू मंदिर में क्या कर रहा है, इससे तो बाद में पूछेंगे बूढ़े अंकल से, पहले तू बता तू क्या कर रहा है इस्कॉन में। तो बिल्कुल गलत आंसर है हमारे आचार्य। मैंने कल वो तो बता रहा था, अगर शेर भी खाने आ जाए तो शिव के मंदिर में मत जाओ, सांस में तो लिखा है, शेर भी खाने आ जाए मर जाओ, मत जाओ। अब आप ये कह सकते हो लॉजिक इसमें कि शिव जी तो महान वैष्णव है तो उनमें जल चढ़ाने में क्या खराबी है, उनसे मांग सकते हो भक्ति, ये कह सकते हो, लॉजिक है। यही लॉजिक, हाँ, मगर चैतन्य महाप्रभु का संदेश अलग है,
चैतन्यानंद ने कहा ठीक है, चैतन्यानंद प्रभु शिव मंदिर गए हैं, गए हैं साउथ इंडिया ट्रैवलिंग में, मगर चैतन्यानंद प्रभु प्रचार के लिए गए थे। वो इसलिए नहीं गए थे क्योंकि वो तो क्योंकि फेमस शिव मंदिर गए थे ना, भुवनेश्वर और रामेश्वरम वहाँ शिवलिंग है ना, तो वहाँ इसलिए गए थे क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, तो प्रीचिंग करने चले गए थे। अब प्रीचिंग करने के लिए कई लोग तो हों, उस टाइम तो मीडिया भी नहीं, कुछ नहीं है, और कहाँ भोपू बजाओगे, किसको बुलाओगे, तो ये तरीका था, तीर्थ जाते थे प्रीचिंग करने। तो अगर आज होते महापुरुष शायद नहीं जा रहे होते, वो आज तो यूट्यूब पे बैठे होते चतन, मुझे लग रहा है कुछ तो आइडिया होता। मगर अब तो प्रचार के लिए ठीक है, मगर अब तो कोई पॉइंट ही नहीं है, वो एक मंदिर बना है, वो प्रचार क्या हो रहा है, बल्कि कुप्रचार हो रहा है। हमारे आचार्यों ने कहा मत जाओ, क्योंकि आप जाओगे तो चलो आप तो समझ के जा रहे हो वैष्णव है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, हम भी मानते हैं वैष्णव है, मगर प्रॉब्लम ये है कि बाकी लोग जो देख रहे हैं उनको तो नहीं पता आप समझ के जा रहे हो वैष्णव है, उनको तो लगेगा भाई ये इसको भी भगवान मानते हैं, इनको भी भगवान मानते हैं, उनको तो पहले दिमाग में है, तो कहेंगे हाँ भाई तो फिर हम भी कर सकते हैं, तो सब कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो सिटी में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ऐसे हम लोग जब सोमनाथ गए थे ना, तो हमारा महाराज का कैंप था, तो वहां पे हम शिव मंदिर चले गए थे, क्योंकि वहां तो सभी जा रहे हैं ना, वहां तो कोई पंप प्रीचिंग भी नहीं करने गए, वहां तो सोमनाथ की मेन ड्यूटीज है, उनका क्षेत्र ही है, और बाई चांस वहां पे हमें कैंप करना पड़ा, महाराज का कैंप वहीं करना पड़ा, हमें लॉजिंग वहीं मिली। तो वहां पे हम शिव जी के पास गए, हमने प्रार्थना की कि आप हमें भक्ति दीजिए, महान वैष्णव है, वैष्णव नाम है शंभु। मगर सिटी में नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपका आपकी भावना ठीक हो सकती है, भावना ठीक है, एक्शन तो गलत है ना, आपके एक्शन से दुर्प्रचार हो रहा है। तो भाई अगर उनसे पूछो कि आप दिल्ली में बैठे क्यों, अगर आपको भजन ही करना है तो वृंदावन में आके बैठे, वृंदावन में घूमो आप शिव मंदिर, कौन मना कर रहा है, आप दिल्ली में क्यों बैठे हो, वो कहेंगे प्रचार के लिए, तो वो सही से प्रचार कर लो ना, फिर एक तो प्रचार कर रहे हो, फिर दूसरों को कन्फ्यूज कर रहे हो, तो कर क्या रहे हो ये, नहीं तो ये तो खिचड़ी बना रहे हो ना फिर, तो वो गलत है। तो बता तो दिया, हाँ तो और भी है, हाँ बस ऐसे ही है, बस तो यही बात है, बस तो गलत लॉजिक है बिल्कुल, उसको निकाल दो मंदिर से जाकर, आप जो भी मंदिर में ऐसी बातें कर रहा है उसको इस कौन में नहीं रहना चाहिए। वो मैं समझ गया, शिव मंदिर होगा मुझे पता है, तो बाहर के लोगों को जाने दो, हमारे डिवोटीज जाने चाहिए, लोगों को खुद ही पता लग जाएगा कि भाई ये लोग शिव देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, मगर ऐसा करना पड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जल चढ़ा लो, मगर आप समझने की कोशिश करो कि कृष्ण भगवान है, देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, तो उल्टा बल्कि और लोग आएंगे समझने लगेंगे, शुद्ध भक्ति में आएंगे, अब वो खुद करने लगेंगे तो सभी कन्फ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, जाते नहीं है तो जाने लगेंगे जब ऐसे आइडियाज हैं, जब घुसे ही पड़ा है विचार कि महान वैष्णव है तो कब तक रुकेंगे, महान वैष्णव के पास नहीं जाएंगे सोचेंगे ही रोज यार महान वैष्णव है मैं नहीं जा रहा, एक दिन चला जाएगा वो, क्योंकि महान शिवरात्रि पर जाएंगे, देखना बता रहा हूँ मैं 100% वो भी होंगे वहाँ, क्योंकि महान वैष्णव है, अब प्रॉब्लम है ना तो क्या करोगे आप, तो गड़बड़ है ये सब तो उन्होंने गलत हो रहा है, जो भी है गलत हो रहा है, frankly it's confusing people, we don't do that. हाँ आपको तो बोलना ही चाहिए, आप समझाओ जैसे मैंने बताया, बोलो भाई है मगर प्रचार गलत हो रहा है ना, मैंने तो बस ये बात पूछी कि आप ठीक है, आप ही बोलो, चलो ठीक है, चलो ठीक। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।